Hey, hello everyone, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं स्टूडेंट यार्ड। हम आपके लिए लेके आते हैं इंडियाज बेस्ट स्टेशनरी कंटेंट। एंगेज आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही अच्छा किट फ्रॉम मैपेट, जिसका नाम है गाइस मैपेट क्रिएटिव आर्ट एंड फन किट। तो गाइस यहाँ पे काफी सारे आर्ट सप्लाई से बहुत बड़ा किट है ये, एंड इसको डिटेल में आज अनबॉक्स करेंगे, रिव्यू करेंगे एंड आपको हम बताएंगे कि क्या आपके मनी के लिए ये किट सही रहेगा। साथ ही साथ गाइस ऐसे काफी सारे किट्स के रिव्यू हम आपके लिए ऑलरेडी ला चुके हैं, मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट पूरी डाल दूंगा तो आप बाकी ब्रांड्स के भी किट वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले की अनबॉक्सिंग से। तो गाइस सबसे पहले मैं इसका एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं कि ये किट दिखता कैसा है एंड इसका प्राइसिंग क्या है। तो आप यहां देख सकते हैं गाइस ये कुछ किट ऐसा दिखता है, इस टाइप का बॉक्स आता है एक अच्छा सा, यहां पे मेंशन है आर्ट एंड फन किट। यहां पे आप देख सकते हैं प्लास्टिक है तो आप अंदर देख पा रहे होंगे क्या क्या कॉन्टेंट है, बस बनी हुई है, बहुत अच्छी बहुत क्रिएटिव लग रही है ये देखने में। बेसिकली अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो बहुत ही अपीलिंग गिफ्ट होगा ये। इसको यहां पे आप देखेंगे तो मेंशन है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो हम अनबॉक्स करेंगे, इसको पलट लेते हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो गाइस जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल दी गई है यहां पे, एंड आपको यहाँ पे बेसिकली ड्राइंग करने के लिए कुछ ऐसे स्टिकर्स भी मिलते हैं, वो हम अनबॉक्स बहुत जल्द करने वाले हैं। यहाँ पे अगेन कुछ इन्फॉर्मेशन है एंड गाइस यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन है, इसका जो MRP है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 399 रुपीज़, यानी कि 400 रुपीज़ मेंशन है। इसका जो भी लिंक होगा गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब वहाँ से इसको बेस्ट प्राइस में परचेज कर पाएंगे। तो गाइस इसको अनबॉक्स अब हम कर लेते हैं, तो यहाँ से इसको खोलते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। ओके, तो कुछ इस टाइप से टेप लगा हुआ है यहाँ पे। ओके, टेप निकाल लिया है मैंने एंड गाइस अब मैं इसको यहाँ से पुल करता हूँ तो देखते हैं किट में क्या निकलता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, तो आप देख सकते हैं गाइस काफ़ी अच्छा किट है यार, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसको मैं साइड में रख देता हूँ इसके बॉक्स को। तो गाइस अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास किट आ चुका है एंड इसके पीछे तो यहाँ पे गाइस स्टिकर भी थे जो उसके पीछे साथ में स्टिक होके आ गए थे। तो ये स्टिकर क्या है, काफ़ी सारे ड्राइंग पैम्पलेट्स इसको रखते हैं साइड में, इनको बाद में देखेंगे। देन गाइस यहाँ पे अब हम फोकस करते हैं कि हमारी किट में हमको मेनली क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं इसको पहले इसका जो पॉलीथीन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक रैप चढ़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ तो हाथ से ही निकल जाएगा ये गाइस। ओके, तो ये मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है, इसका रैप मैंने काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है गाइस ये रैप खोलना ऐसे। तो ओके, तो ये मैंने इसको पूरा के पूरा इसका रैप उतार लिया है। ओके गाइस, ओके, तो इसके प्लास्टिक को हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास चीज़ें आ चुकी हैं, अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या मिलता है यहाँ पे। तो आपको देखने को मिलता है गाइस यहाँ पे एक शेकर शार्पनर, देन यहाँ पे आपके पास गाइस कुछ प्लास्टिक के क्रेयॉन्स हैं यहाँ पे, हाँ ये प्लास्टिक के हैं तो नॉर्मल क्रेयॉन्स से गाइस ज़्यादा चलेंगे। देन आपको देखने को मिलता है एक इरेजर यहाँ पे, इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं गाइस कुछ पोस्टर कलर्स, एक HB पेंसिल, नहीं एक 2B पेंसिल, देन यहाँ पे आपको एक देखने को मिलता है गाइस ब्रश, सिंथेटिक ब्रश, देन यहाँ पे कुछ क्रेयॉन्स हैं गाइस, यहाँ पे एक स्क्रैपर है, एक ग्लू स्टिक है एंड गाइस यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के हमारे पास सीजर्स हैं। क्या होता है बेसिकली ये यहाँ पे बेसिकली सब कुछ चाइल्ड सेफ है तो मैक्सिमम चीज़ें इनमें वॉशेबल है एंड गाइस ये जो कैची है सिर्फ आप पेपर काट सकते हैं, तो अगर आप किसी बच्चे को गिफ्ट करते हैं तो उसका हाथ वगैरह नहीं कटेगा। तो इसको गाइस ओपन करके हम देखेंगे। तो अब एक एक करके गाइस सारी चीज़ें डिटेल में देख लेते हैं कि कैसा क्या है। सबसे पहले गाइस मुझे ये सीजर्स बड़ी इंटरेस्टिंग लगी तो मैं इसको देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक टेप लगा हुआ है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया एंड गाइस ये हमारे पास हमारी सीजर्स आ गई हैं। तो गाइस इसको हम किट को रखते हैं थोड़ा सा साइड में एंड बात कर लेते हैं सिर्फ एक सीजर्स की। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है हमारी सीजर्स, तो इसका नाम है गाइस किडी पल्स क्राफ्ट सीजर। तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं गाइस, एक क्रोकोडाइल यहाँ पे बना हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखिए क्रोकोडाइल की आँख है, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से, तो इस टाइप की बेसिकली कोई भी यहाँ पे धार इसकी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी शार्प नहीं है, तो गलती से भी इससे हाथ कटना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इससे गाइस मैं पेपर कट करके देख लेता हूँ कि पेपर कट होता है कि नहीं। तो मेरे पास गाइस यहाँ पे एक पेपर का टुकड़ा आ चुका है, ये हमारा नॉर्मल शीट है, नॉर्मल पेपर की, इसको हम कट करके देखते हैं गाइस। ये डबल मैंने इसको कर दी है एंड इसको मैं करता हूँ तो ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से कट गया है ना। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं एक काम करता हूँ एक बार और फोल्ड कर देता हूँ देन चेक करते हैं गाइस। तो अब यहाँ पे बेसिकली ये फोल्ड हो चुके हैं, चार शीट साथ में हम काटने की कोशिश करते हैं। तो अब देखता हूँ गाइस, ओके तो अभी भी कट गया है गाइस, आप देख सकते हैं। एक बार और फोल्ड कर देते हैं है ना, एक बार और फोल्ड कर देते हैं यहाँ पे, इसको आप काटता हूँ तो आई गेस अब थोड़ा सा टफ है, अब आप फोल्ड करेंगे देखिए गाइस तभी सीजर्स नहीं काट पा रहा। तो बेसिकली बच्चों को जितना नीड होता है ना, जनरली एक या दो शीट्स काटने के लिए, इससे ज़्यादा तो काटने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं वो इजीली कट कर देता है, कोई दिक्कत नहीं आती है।
तो गाइस यहाँ पे हमारे पास आ गया है हमारा किट वापस से। इसमें देख लेते हैं गाइस अगली चीज़ क्या है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं कुछ स्केच पेन्स गाइस, है ना। तो इनका बेसिकली जो नाम है वो है ओशियन फेल टिप्स। अब इनको ओशियन फेल टिप्स क्यों बोला जाता है गाइस, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो उनको निकालता हूँ। तो गाइस ये हमारे पास यहाँ पे हमने इनको निकाल लिया है टेप को, अब यहाँ पे इसको निकालते हैं। ओशियन फेल टिप्स गाइस की इसलिए हैं बेसिकली ये इरेजिबल है ना, ये वॉशेबल कलर से मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप के कलर्स आते हैं, सारे निकाल लेते हैं, इसको अगेन हम साइड में रख देते हैं। एंड यहाँ पे गाइस हम हमारे कलर्स पे फोकस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये कुछ इस टाइप के दिखते हैं, मैं कोई एक कलर पकड़ के आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे तो गाइस कुछ इस टाइप की ब्रांडिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है कलर पेप्स, ठीक है, फ्रॉम मैपेड, यहाँ पे इस टाइप का दिखता है। इसको ओपन कर लेते हैं तो इस यहाँ पे बेसिकली नॉर्मल स्केच की तरह है। कैसे ये वर्क करते हैं, एक शीट हम लिखे हैं उस पर काम करके देखते हैं। तो गाइस हमारे पास इसका जो कार्ड्स आए थे उन्हीं का हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी, अरे वाह, काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैं बेसिकली यहाँ पे एक ड्रैगन टाइप का मुझे कुछ दिख रहा है, मैं उसको निकालता हूँ, उस पर ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो ये मैंने यहाँ निकाल लिया इसको, तो ये आ गया ड्रैगन मेरा, इनको रख देता हूँ मैं साइड में। तो अब गाइस ड्रैगन जो हमारे पास है इसको हम कलर करके देखते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक कलर मेरे पास है, तो इससे मैं कुछ इसके दांत ब्लैक कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसके दांत मैंने ब्लैक कर दिए। ओके, तो गाइस अच्छा है, नॉर्मल स्केच पेन जैसा ही काम कर रहा है ना। और साथ ही साथ मैं कुछ और कलर्स भी ट्राई करता हूँ, जैसे कि रेड। तो रेड क्या करें गाइस हम इसका, तो हम इसकी आँखें बना देते हैं, आईब्रोज बना देते हैं इसकी रेड। ओके, तो यहाँ पर हमने इसकी आईब्रो बना दी है, ठीक है, लग रहा है ना ड्रैगन जैसा। और गाइस रेड कलर से एक और चीज़ होती है क्या, आप जानते ही सब्सक्राइब बटन, तो उसको दबा दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा और कंटेंट देखने के लिए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका भाई कुछ इस टाइप से हमने इनका यूज़ किया, तो काफ़ी अच्छे से ये चल रहे हैं नॉर्मल स्केच की तरह। और गाइस सबसे अच्छी बात यह कि अगर ये कहीं कपड़ों वगैरह पर लग जाते हैं तो ये वॉशेबल भी हैं, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो गाइस और देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है, इन कलर्स को हमने वापस रख दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं गाइस यहाँ पे हमको देखने को मिलती है एक 2B पेंसिल, तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है। तो एक इस टाइप की 2B पेंसिल देखने की मिलती है मैप की तरफ से, अगेन ब्लैक पेप्स नाम है। एंड शार्पनर भी हमको एक दिया गया है इसी के साथ, तो यहाँ पे मैं शार्पनर दिखा देता हूँ आपको। तो कुछ इस टाइप का शार्पनर है गाइस, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ये क्लोज्ड है, तो बेसिकली डस्ट आपका बाहर नहीं जाएगा ना, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसको शेकर शार्पनर बोलता है मैपेड, एंड इसको आप यहाँ डाल के पेंसिल शार्प कर सकते हैं। अब ये प्री शार्प भी आपको पेंसिल मिलती है गाइस यहाँ पे। तो ये दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, इनको रखते हैं साइड में और देखते हैं इसमें क्या निकलता है गाइस। देन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कुछ क्रेयॉन्स। अब ये क्रेयॉन्स थोड़े से यूनिक हैं, इन पे मैं बात करना चाहूँगा। तो यहाँ पे अगर हम इनको देखें तो मैं एक क्रेयॉन निकालता हूँ गाइस। तो यहाँ पे टोटल आपको कितने मिल रहे हैं, ये तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो गाइस 12 क्रेयॉन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड ये थोड़े से डिफरेंट है, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली गाइस ये प्लास्टिक क्रेयॉन है ऊपर से, तो यहाँ नीचे से ये ट्रायंगुलर है बट ऊपर से फ्लैट हो जाते हैं, काफ़ी अच्छा लगा। एंड आप जनरली क्या होता है गाइस, क्रेयॉन अगर ऐसे तो आपको लग रहा होगा हाथ में लग रहे होंगे ये, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हाथ में बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहे। इनसे थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। तो हमारा ड्रैगन हम वापस लेके यहाँ पे आ गए हैं, एंड गाइस ड्रैगन पे अगेन हम कुछ ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ये हमारे ड्रैगन बनाया था, इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसकी आईब्रो हमने और अच्छी बनानी है, तो गाइस ये मैंने इसके क्रेयॉन से और यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, ग्रेट वेट, तो अच्छा चल रहा है गाइस, क्रेयॉन्स काफ़ी स्मूथ मुझे यहाँ पे लगे, है ना। अब हम ये देख लेते हैं गाइस कि यहाँ पे ये मिक्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक येलो कलर और मैं ले लेता हूँ। तो गाइस ये मेरे पास येलो कलर आ गया है, एंड इसके साथ मैं येलो उसके ऊपर मिक्स करता हूँ, देन देखेंगे कि कैसा ये मिक्स होता है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर इसका हेड येलो कर दिया है, नीचे भी थोड़ा सा येलो कर देते हैं, तो हमारा ड्रैगन काफ़ी अच्छा बन जाएगा। काफ़ी खुश लग रहा है ड्रैगन हमारा, ठीक है। तो ये हो गया है गाइस, तो आप देख सकते हैं गाइस ये स्टूडेंट ग्रेड क्रेयॉन्स हैं बेसिकली, तो ठीक ठाक हो जाते हैं मिक्स, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छे मुझे लगे। इनको आप शार्प करना है तो आप अगेन हमारा ये जो शार्पनर आया है मैपेड की तरफ से, इसी को यूज़ करके इनको शार्प भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये शार्प से हो जाते हैं, है ना। तो ट्राइंगुलर ग्रिप था, इस टाइप के कुछ क्रेयॉन्स दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस देन हम देख लेते हैं और क्या मिलता है। तो फिर यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं गाइस कुछ ऑयल पेस्टल्स भी साथ में। इन ऑयल पेस्टल्स को भी मैं लेता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रीन ले लेता हूँ एंड पिंक मुझे लग रहा है ना, पिंक वॉलेट बेसिकली, ये जो पिंक कलर है इनसे बेसिकली अब हमारा ड्रैगन करते हैं शेड। यहाँ पे आपको एक स्क्रैपर भी दिख जाएगा बेसिकली, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। एंड वापस हमारा लेके आते हैं ड्रैगन, तो अगेन ड्रैगन पिन को यूज़ करके देखेंगे गाइस कैसे हैं ये। तो अब ग्रीन करते हैं कुछ, तो ग्रीन इसका माउथ बेसिकली हम बनाते हैं, देखते हैं कैसे चलता है। ओके, तो ये इसका ऑयल पेस्टल्स हमने शेड किया, तो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, है ना। और इसमें मैं बेसिकली पिंक डालता हूँ नीचे से, देखेंगे फिर कैसे ये मिक्स होते हैं दोनों। तो इसलिए मैंने पिंक डाल दिया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं गाइस, तो इस टाइप से कुछ ये मिक्स हो गए हैं।
ओके, तो थोड़ा सा डस्ट यहाँ पे है, मैं इसको साइड में करता हूँ। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं आप, इस टाइप से ये मिक्स हो गए हैं। एंड यहाँ पे मेरे पास एक टिश्यू पेपर है, इससे मैं रब करके देखता हूँ। मैं ओके, तो गाइज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं ये, है ना। तो मुझे काफ़ी अच्छा इनका बेसिकली जो परफॉर्मेंस है वो लगा। अब यहाँ देख सकते हैं गाइज़ हमारा ड्रैगन कितना सुंदर लग रहा है, एकदम मल्टी कलर ड्रैगन बन गया है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो गाइज़ इस ड्रैगन के लिए एक लाइक तो बनता ही बनता है यार, है ना। इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दैन गाइज़ हमको देखने को लास्ट में मिलता है एक ग्लू स्टिक। तो यहाँ पर आपको मैपेड की तरफ से ग्लू स्टिक मिलती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ सुप्रीम क्वालिटी PVC फ्री ग्लू स्टिक है ये, तो ग्रेट। इसको ओपन कर लेते हैं, काफ़ी टाइट है एंड ये कुछ इस टाइप से दिख जाती है ना। तो ये तो आपने यूज़ करी होगी काफ़ी सारी। एंड लास्ट में हमारे पास क्या बचता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिर लास्ट में आते हैं गाइस कुछ पोस्टर कलर्स। तो यहाँ पे हमारे पास गाइस रेड, लेमन येलो एंड गाइस हमारे पास है मरीना ब्लू। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इन कलर्स को, तो कुछ इस टाइप से दिखते हैं ये। इनको यूज़ भी करके देखेंगे। साथ में हमारे पास हमें वो भी दिया गया है एक सिंथेटिक ब्रश, इसको भी निकालते हैं। तो इससे हम यूज़ करके देख लेते हैं कि कैसे ये कलर्स हैं, इन सबको बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस अगेन हमारे ड्रैगन पे यहाँ पे अब चित्रकारी होने वाली है इनकी मदद से। तो यहाँ पे हम कौन सा कलर लें, हम गाइस ब्लू कलर लेते हैं ना, ब्लू हमें यूज़ करना है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ओके, इसको मैंने ओपन कर लिया है, ग्रेट। अब गाइस यहाँ पे बेसिकली इसको आप डाइल्यूट भी कर सकते हैं ऑलरेडी, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाइल्यूट ही लग रहा है। तो इनसे बेसिकली मैं कुछ इसका बेसिकली माउथ फिल करता हूँ, है ना। तो गाइस ये हाईली पिगमेंटेड कलर्स हैं और ऐसा बोला गया है इसके पैकेट पे कि इनको आप मिक्स भी कर सकते हैं बहुत अच्छे कलर्स बनाने के लिए। वैसे वो तो हर पोस्टर कलर को कर सकते हैं। तो एक बार मैं करके और देख लेता हूँ गाइस कि कैसा ये परफॉर्म करते हैं। बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं मैं डिफरेंट कलर्स मिला रहा हूँ, तो कैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट शेड्स देखने को मिल रहे हैं। तो गाइज़ आपने यहाँ पे देखा कि मैंने कितने सारे यहाँ पे कलर के शेड्स बना दिए। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर करके अलग अलग शेड्स बेसिकली इन तीनों से यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हमने सारे एलिमेंट्स देख लिए हैं, तो यहाँ पे हम निकले, हमने सब चीज़ें देख ली हैं। लास्ट में एक रेजर और मिलता है जो कि मैपेट की तरफ से है ना। तो गाइज़ ये थे इस किट्स के सारे एलिमेंट, मैंने आपको डिटेल में बता दिए। तो गाइज़ काफ़ी अच्छी इसमें आर्ट सप्लाईज मुझे लगी। अब आपको ये किट कैसा लगा फॉर 399 रुपीज़, मुझे कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। साथ ही साथ गाइज़ अगले रिव्यूज हमारे पास यहाँ पे आने वाली है गाइज़, अगेन सम किट्स फ्रॉम मैपेट। तो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ एडवांस किट, इसका नाम क्या है, दिस इज स्टेशनरी असेंशियल प्लस एंड दिस इज स्टेशनरी एडवांस। तो गाइज़ ये कुछ किट्स हैं, इनमें बेसिकली स्कूल सप्लाईज हैं, तो इनका रिव्यू हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, कॉस्ट इफेक्टिव किट्स ही हैं। तो गाइस मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आप इनका रिव्यू मिस ना करें। साथ ही साथ अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, हैंडल स्टूडेंट डैड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मैं मिलूंगा गाइस ऐसे ही अच्छे रिव्यूज के साथ आपको इन फ्यूचर। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, एंड आपको कोई सजेशन देना हो कि हम किस चीज पे नेक्स्ट रिव्यू लेके आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिख के बता दें। तो गाइस टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।